बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लांटिंग अ सक्सेसफुल बॉडी सिस्टम। हम क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं जब हम बॉडी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ सक्सेसफुल बॉडी सिस्टम। बी श्योर टू मैच एकेडमिकली हायर परफॉर्मिंग चिल्ड्रन विद दोस डेट नीड मोर सपोर्ट। इसमें क्या होता है, जब हम बॉडी बना रहे होते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा बच्चा जैसे एकेडमिक में वीक है, उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है सपोर्ट की, केयरिंग की। उसी हिसाब से हम बॉडी बनाते हैं, जिसमें क्या होता है एक वीकर बच्चा लेते हैं और एक स्ट्रॉन्गर बच्चा लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा रोटेट बॉडीज थ्रू आउट द ईयर सो चिल्ड्रन में हैव अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप मैनी फ्रेंडशिप्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी सिस्टम होता है वो रोटेट होता है हर एक साल, जिसमें क्या होता है बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो अलग अलग अपने फ्रेंड्स बना सके और वो भी लीडर ग्रुप बन सके। असाइन अ बॉडी टू द चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी और असाइन बॉडीज टू एवरेज स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, जब हम बॉडी सिस्टम बना रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, एक हम नॉर्मल बच्चा लेते हैं, एक अब नॉर्मल बच्चा लेते हैं, जिससे क्या होता है जो बच्चों के अंदर जो हीनता की भावना होती है एक दूसरे के अंदर देख के कि डिसेबल बच्चा है, इसके साथ हम नहीं बैठेंगे ना ही कुछ बात करेंगे। इस हिसाब से हम क्या होता है बॉडी सिस्टम बॉडी से बनाता है, जिससे क्या होता है एबल और नॉन एबल बच्चे को रखा जाता है, जिससे कि वो भी उन इंसानों को समझ सके और उन्हें भी पता चले कि वो भी हमारे से डिफर नहीं है, एक दूसरे से हम मतलब अलग नहीं है, बल्कि उनके अंदर कुछ कमी है जिस कारण से वो हमसे अलग तरीके से दिखाई देते हैं या फिर उन्हें हमें अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। असाइनिंग एज बॉडीज टू ऑल स्टूडेंट में रिड्यूस अटेंशन ऑन द चाइल्ड विद द डिसेबिलिटीज। इसमें क्या होता है, जब हम बॉडीज बना देते हैं तो उसमें क्या होता है जो टीचर होता है उनका भी थोड़ा जो अटेंशन होता है, थोड़ा जो ध्यान होता है थोड़ा सा कम भी हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो बॉडीज होता है वो अपने डिसेबल बच्चे के अपने बॉडीज का अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं लर्निंग में और उन्हें जिस चीज की जरूरत होती है उसे भी वो प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन रिगार्डिंग व्हाट सपोर्ट द बॉडी इज प्रोवाइडिंग। इससे क्या होता है, जो हमारा बॉडी बनाते हैं ग्रुप बनाते हैं उसमें क्या होता है जो हम बच्चों को कुछ डायरेक्शन वगैरह देते हैं और वो हमसे नहीं समझ पाते तो वो बॉडी से अपनी हेल्प लेके उस चीजों को पूरा तरीके से पूर्ण करते हैं। इसमें क्या होता है, जो उनका दूसरा बॉडी होता है वो भी हेल्प करता है। इन द केस ऑफ अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी द बॉडीज रोल मे बी टू साइन सिंगल द चाइल्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन एक्टिविटीज और गिवन वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन फॉर क्लासरूम टास्क। इसमें क्या होता है, जब हम बॉडी बनाते हैं तो उसमें जो हमारा इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो उसमें क्या होता है पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, प्लस में अगर हम कोई गेम वगैरह कोई एक्टिविटीज करते हैं तो उसे भी वो अच्छी तरीके से हमें समझाता है, एक के बाद एक स्टेप बताता है क्लासरूम के अंदर जो भी हमने टास्क दिया जाता है उसे करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेक द बॉडी रिलेशनशिप रेसिप्रोकल। इसमें क्या होता है, जो बॉडी सिस्टम का जो रोल होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। उसमें क्या होता है, कभी लीडर कोई दूसरा बन जाता है कभी फर्स्ट बन जाता है। बोथ बॉडी शुड सपोर्ट आर अनदर इवन इफ इट इज डिफरेंट एरिया। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ एरिया में हमारा जो फर्स्ट बॉडी है वो ज्यादा एक्टिव होता है और कुछ एरिया में जो हमारा सेकेंड बॉडी होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है, तो इसमें क्या होता है जिस उनकी जो जरूरत के हिसाब से जो बॉडी होता है बॉडी लीडर होता है वो भी चेंज होता रहता है, कभी बॉडी वन लीडर बन जाता है कभी बॉडी टू लीडर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे द बॉडी में सिंगल ट्रांजिशन टू द चाइल्ड विद द कॉलोनिकल इम्प्लांट द चाइल्ड कॉलर इम्प्लांट में सपोर्ट द बॉडी विद प्रैक्टिस ऑन स्पेलिंग टेस्ट और वेयर एवर द बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा सपोर्ट। इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज का टेस्ट लेते हैं या फिर किसी चीज को हम नई तरीके से बच्चे को समझा रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर कोई हमारे एक बॉडी को समझ नहीं आता स्पेलिंग्स वगैरह या फिर कुछ करने में उसे दिक्कत होती है फिर प्रैक्टिस की जरूरत होती है तो जो हमारा दूसरा बॉडी होता है वो उसे पूरी तरीके से हेल्प करता है, अगर उसे अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो वो लीडर बन के उसे समझाता है, उसके जो नीड्स की जरूरत होती है सपोर्ट की जरूरत होती है तो उसे वो पूरा करता है। केयरफुली ऑब्जर्व द रिकॉर्ड द सक्सेस एंड चैलेंजेस ऑफ द बॉडी सिस्टम। और इसमें क्या करते हैं, जो हमारा बॉडी होता है वो केयरफुली ऑब्जर्व करता है देखता है और उसे वो समझता है कि उसे सक्सेस करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, किस तरीके के चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ेंगे, तो उस चीज को वो ऑब्जर्व करके फिर अपने जो बॉडी होता है उसे आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं
और जस्ट द सिस्टम एज न्यूडिटी, ये क्या ये सिस्टम हमारे क्या होता है जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें हमें एक नॉर्मल और एक अबनॉर्मल बच्चे लेते हैं जिसमें क्या होता है वो एक दूसरे को समझता है और वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इम्प्रूव द बॉडी सिस्टम बाय रेजिंग बॉडीज, क्लैरिफाइंग टास्क और प्रोवाइडिंग द बॉडीज विद क्लियर एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या होता है जब हम बॉडीज इसलिए बनाते हैं कि जिससे हम इम्प्रूव कर सके बच्चों की जो रीजनिंग वगैरह है उस चीज को, कुछ टास्क वगैरह जो समझ नहीं आते वो एक दूसरे के समझ सकते हैं, और क्या होता है जो एक दूसरे के बीच के जो उनके एक्सपेक्टेशन होते हैं वो क्या होता है जो टीचर के आगे उन्हें बोलने में भी दिक्कत होती है तो उन्हें बता नहीं पाते, परंतु जो उनके बॉडीज होते हैं वो उन्हें इजिली बिना किसी डर के उनसे शेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेनफोर्स ऑल पार्टिसिपेंट फॉर बींग गुड बॉडीज। इसमें क्या होता है जब हम हमारे अच्छा बॉडी बन के दिखाते हैं, उनका रोल अच्छा होता है, वो अच्छी तरीके से अपने बॉडीज को समझते हैं तो उन्हें क्या होता है इनाम भी दिया जाता है। यूज सोशल रिकॉग्निशन और अदर क्लासरूम रिवॉर्ड्स, और क्या होता है उन्हें समाज के सामने भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, प्लस में उन्हें क्लासरूम के अंदर भी रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया अगर वो और भी बच्चे उस तरीके से काम करेंगे तो उन्हें भी रेनफोर्समेंट गिफ्ट दिए जाएंगे, उनकी भी तारीफ की जाएगी, उनका भी सम्मान किया जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।